अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान नवाज़ और आप देख रहे हैं इस वक्त नवाज़ व्लॉग। आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद कराची कंपनी में। आज मैं जिस मुकाम पे मौजूद हूं, जिस जगह पे मौजूद हूं, उस जगह का नाम है पंजाब समोसा। और इस जगह की बात करूं पंजाब समोसा, तकरीबन 20 साल इनके हो चुके हैं। तकरीबन इस्लामाबाद में 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है। और इनका जो लज़्ज़त है, जो जायका है, जो टेस्ट है, पंजाब समोसा के नाम से ये मशहूर है। और मैं अभी आपको लेके जाऊंगा इनके पास, मज़ीद देखेंगे इनके पास क्या क्या मिलता है, कुछ लोगों से मिलाएंगे यहाँ के, इनसे भी बात करेंगे कि ये 20 साल तकरीबन हो चुके हैं, हम तो 20 साल से देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत फेमस है पूरे इस्लामाबाद में। अगर बात करूँ तो ये पंजाब समोसा के नाम से बहुत मशहूर है। जो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ, आगे लेके जाता हूँ यहाँ पे, बात करते हैं इन लोगों से भी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है बाबर नवाज़, और मेरे साथ मौजूद इस वक्त बाबर नवाज़ मौजूद हैं। बाबर नवाज़, आप कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। ठीक हो? अच्छा, आज हम वीडियो बनाने आए ना? बिल्कुल जी, बाबर नवाज़ ने बात कर ली। मैं आपको याद रहूँ तो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का प्रेस कर दें। तो चलें, आप आएँ हमारे साथ, आ जाएं, आगे चलेंगे, इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, हमें ये समोसा जलेबी नज़र आई है, जो कि बहुत फेमस यहाँ की जलेबी है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये पंजाब समोसे की ये लज़्ज़त है। अभी हम इनसे बात करेंगे, इन भाई साहब से भी बात करेंगे मौजूद है जो जलेबी बना रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, ये आप जलेबी कितने अरसे से बना रहे हैं? हो गए 25-30 साल। अच्छा, आपको 25-30 साल हो गए जी। माशाल्लाह जी, 25-30 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ जलेबी बना रहे थे। आप खुद देखें इस बंदे को कितना एक्सपीरियंस होगा। तो माशाल्लाह से सर, अगर एस्टिमेट करें तो कितना जलेबी दिन का निकल जाता है? एक दिन दादा नहीं लाया, मतलब बेताशा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ये जायका, ये टेस्ट सिर्फ इस्लामाबाद कराची कंपनी में ये मिलेगा आपको जलेबी का। तो अभी हम चलेंगे आगे, मज़ीद देखते हैं यहाँ पे और क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, हमें समोसा नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह शुक्र। सर, आप क्या क्या स्टॉल लगे आपके पास, क्या क्या मिलते हैं? हमारे पास बड़े समोसे, आलू वाले, छोटे कीमे वाले, जलेबी, पकौड़े, नमक बारे, दही भले, चना चाट। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जी, माशाल्लाह। ये समोसे हर तरह के, आलू, कीमा, इसी तरीके से पकोड़े नज़र आएंगे। अच्छा, आप पहले से ना ये बताएं कि तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया आपका माशाल्लाह से जी। आपकी क्या ऐसी चीज़ है जो लोग आपके पास बार बार दौड़े आते हैं, जो कि बार बार आते, एक बार जो होते हैं और ज़रूर आते हैं, इसकी क्या खासियत है ये तो बताएँ अपने नाज़रीन को। यहाँ पर बस चनों के लिए दौड़ के आते हैं, समोसा प्लेट स्पेशल है यहाँ की। बिल्कुल, यानी टेस्ट माशाल्लाह से आपका लाजवाब टेस्ट है। बिल्कुल जी, ये बात है, हम खुद इस चीज़ को एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त पंजाब समोसा के नाम से ये जो समोसा है इनके पास, जलेबी है, बहुत फेमस है। जायके की तो क्या बात है इनके पास। मज़ीद हम चलते अंदर की जानब चलते हैं, अंदर इनके पास सिटिंग एरिया भी है, फिर हम अंदर जाएँगे सिटिंग एरिया। अच्छा, मैं बात करूँ इसके साथ की, अगर लोकेशन की बात करूँ इसके साथ, देखें आप ये आपको नज़र आएगा MCC मॉल, जो कि इस्लामाबाद में MCC मॉल है। और इसके पूरी ये कराची कंपनी की ये मार्केट है। इस लोकेशन की अगर बात करूं, ये पूरी सामने जावेद स्वीट है इसी तरीके से। और अगर आप विज़िट करते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं पूरी इस्लामाबाद की, ये नियर जो करीब तरीन जो पड़ेगा आपको MCC मॉल जहाँ पर पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं, कुछ लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आपसे, चलते हैं आगे। तो फिर से गुजारिश कर दूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद पंजाब समोसा में मौजूद हैं, कराची कंपनी में मौजूद है। ये पंजाब समोसा के नाम से मशहूर है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा एरिया यहाँ पर, सेटिंग एरिया यहाँ पर, इनके पास समोसे बहुत मशहूर हैं। और इसी तरीके से जलेबी, पकोड़े, बहुत सी इस तरीके से इनकी लज़्ज़त, टेस्ट लाजवाब है, कोई जोड़ नहीं है इनका माशाल्लाह से। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के पंजाब समोसा के कस्टमर, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक चीज़ तो बताएं कि जो लोग यहाँ पे पंजाब समोसे पे बार बार क्यों दौड़े आते हैं, क्या ऐसी ख़ास वजह इन समोसों की? इसकी ख़ास बात ये है कि ये जंक फूड है, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है खाते हुए। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। हाँ, तो पेट जल्दी भर जाता है, थोड़े पैसे लगते हैं तो इसलिए पेट भर जाता है। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। और टेस्ट की अगर बात करें, जायके की अगर बात करें, तो बहुत लाजवाब है। मेरे साथ बाबर नवाज़ भी मौजूद हैं, वो थोड़ा सा अपना बिजी है इधर। तो खैर, हम चलते हैं अभी बाहर और मज़ीद लोगों से आपको मिलवाएँगे यहाँ के बारे में। तो चलते हैं अभी बाहर की जानिब।
तो बिल्कुल इस वक्त हम लोग पंजाब समोसा कराची कंपनी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 20 साल से ज़्यादा से यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये टेस्ट ये जायका यहाँ पे देख रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा ये लोग यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो इनके कस्टमर हैं यहाँ पे हैं, हम इन कोशिश करेंगे इनसे बात करने की भी, मज़ीद लोगों से बात करेंगे वो लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, बात करेंगे यहाँ पे जो कस्टमर बैठे हैं उनसे भी बातचीत हम करेंगे यहाँ पे, उनको थोड़ी सी ज़हमत देंगे, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? यहाँ का पंजाब समोसा जो फूड है इनका, इनके टेस्ट के हवाले से आप बताएं, जो कि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, बार बार आते हैं, रश लग जाता है, इनके क्या ऐसी टेस्ट में क्या ऐसा कुछ है, जादू क्या टेस्ट? मैं भी ऐसा सुन के ही आया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप? फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा सर? अच्छा है। बिल्कुल जी, माशाल्लाह, हर एक का यही कमेंट्स आते हैं कि भाई टेस्ट लाजवाब है, वाकई रियल टेस्ट अच्छे है। बिल्कुल जी, हर बंदा कहता है कि भाई टेस्ट एंड एंड का था। और बात करें अगर, मेरा ख्याल है कि जी ये 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है और कराची का हमने इस्लामाबाद में इनकी ये शॉप है। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि पंजाब समोसा शॉप पे हम खड़े हैं, जैसा कि समोसे इनके बहुत मशहूर है और समोसे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बनते हैं, फ्राई किए जाते हैं। जो समोसे के कारीगर हैं उनसे भी बात करेंगे, मज़ीद हम इनसे जानेंगे इन समोसे के हवाले। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो समोसे हैं आप कितने अर्से से बना रहे हैं? ये तकरीबन सर हमें 22 साल हो गए हैं। अच्छा, 22 साल हो गए, माशाल्लाह जी। अच्छा, एक एस्टिमेट अगर हम लगाएं, एक पर डे आप कितने समोसे तकरीबन फ्राई करते हैं, कितने समोसे आप निकाल देते हैं? एक रोज़ दिहाड़ी के या घंटे के, क्या टाइम पूछते हैं आप? दिन का बता दें। दिन का होता हमारा 3,000-3,500। हाँ बिल्कुल जी, देखें 3,000-3,500, समटाइम ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ किसी टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, जब बारिश होती है ज़्यादा होता है काम। माशाल्लाह सर्दियों में ज़्यादा काम रहेगा इनका? सर्दियों में काम ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप तो कारीगर है ना, आप तो ख़ुद बनाते हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि ऐसा लाजवाब टेस्ट देने का, आवाम को ऐसा अच्छी उनकी खिदमत करने का? नहीं तो समोसे वाले तो बहुत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त ये वाहिद वो शॉप है जिनका एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है। हमने खुद भी समोसे खाए हैं, तो इस आप लोग इस बात को वाकई में एग्री करते हैं कि हम लोगों का टेस्ट वाकई में है? जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के इस्लामाबाद में पूरे में नाम है हमारे दुकान का। माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पुराने हैं। अच्छा, तो इसीलिए माशाल्लाह कस्टमर भी बहुत तामन करते हैं हमारा। हाँ, तो कस्टमर को पता है कि चीज़ यहाँ से अच्छी मिलती है, हलवा पूड़ी होती है सुबह का नाश्ता हमारा। अच्छा, आपके पास नाश्ता भी होता है? हलवा पूड़ी नाश्ता भी होता है सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक। अच्छा, उसके बाद 9 बजे समोसे शुरू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई की बात राय अपनी जाननी है, उसकी बातें जाननी है अपने टेस्ट के हवाले से, और उन्हें एस्टिमेट भी बता दिया कितने समोसे यहाँ पे वो लोग बनाते हैं, सेल करते हैं, बाकी से टेस्ट की तो उन्होंने बता दिया भाई टेस्ट नो कम्प्रोमाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ हमें इजाज़त चाहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।